नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने राशन की लूट करने वाले कोटेदारों को जेल भेजो, आवास शौचालय निर्माण में गड़बड़ी की जांच कराओ, गांव समाज बंजर की जमीनों को दबंगों के अवैध कब्जे से खाली कराओ, बिजली बिल की मनमानी और बढ़ा हुआ बिल भेजकर वसूली बंद करो आदि सवालों को लेकर बहरियाबाद थाना क्षेत्र के सादात ब्लॉक के भरतपुर दलित बस्ती में धरना दिया। अंत में प्रशासनिक अधिकारियों को मांगों का पत्रक सौंपा। धरना को माले ब्रांच सचिव सुरेश कुशवाहा, माले जिला सचिव राम प्यारे राम, गुलाब सिंह, लाल बहादुर बागी, संजय राम मुन्ना, राम जन्म, श्रीकांत राम ने संबोधित किया। खाद्य सामग्रियों में किए जा रहे मिलावट की रसोई घर में ही जांच करने की जानकारी देने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का जागरूकता वैन ने बुधवार को नगर के कचहरी और रौजा पर 47 दुकानों की वैन में शामिल लोगों से दूध, बेसन, तेल, मसाला आदि खाद्य सामग्री की जांच की। अभिहित अधिकारी अजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि जागरूकता वैन चलाने का मकसद मिलावटी खाद्य सामग्रियों की जांच करना है, जिससे मिलावट का कारोबार निष्क्रिय किया जा सके। कहा कि सब जागरूक होंगे तभी मिलावट से राहत मिलेगी। मिलावट से बचने के लिए रसोई घर में जानकारी को उपयोगी बताया। उन्होंने बताया कि 47 दुकानों की जाँच की गई, इस दौरान सब कुछ सही पाया गया। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सदर गोपाल चंद्र वर्मा, खाद्य विश्लेषक अखिलेश कुमार, सहायक खाद्य विश्लेषक अजय कुमार गुप्ता आदि शामिल रहे। गहमर थाना क्षेत्र के मां कामाख्या धाम परिसर में मंगलवार की देर रात एक गुमटी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की इस घटना में हजारों नकदी के साथ ही हजारों का सामान जलकर नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार करहिया गांव निवासी छोटेलाल का मां कामाख्या धाम परिसर के पास एक गुमटी में कपड़ा आयरन करने व फोटो फ्रेमिंग की दुकान है। रोज की तरह वो मंगलवार की शाम भी दुकान बंद कर घर चला गया। देर रात अज्ञात कारणों से दुकान में आग लग गई। पुलिस चौकी पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही आग की जानकारी दुकानदार को दी। दुकानदार के आने से पहले ही सब कुछ जलकर राख और खाक हो गया। दुकानदार छोटेलाल ने बताया कि लगभग 28,000 नकदी के साथ ही हजारों का सामान जल गया। सुबह हल्का लेखपाल ने मौका मुआयना कर जले हुए सामान की क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट शासन को भेजकर मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया। करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस ने बुधवार की सुबह नाबालिग को भगाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग को बीते माह एक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। इस संबंध में किशोरी के परिजनों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। सीओ मोहम्मदाबाद के निर्देशन में गठित टीम आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। 21 अक्टूबर को किशोरी की बरामदगी कर ली गई थी, जबकि आरोपी युवक की तलाश जारी है। इसी क्रम में आज सुबह करीब 6 बजे ताजपुर रेलवे स्टेशन से आरोपी सत्येंद्र साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया। संबंधित धाराओं में उसका चालान कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रंजीत कुमार, कांस्टेबल रामराज और कांस्टेबल संजय गौतम शामिल थे। शासन के निर्देशानुसार चयनित हाई लाइन लॉस फीडर उपखंड टाउन के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर अधिशासी अभियंता आदित्य पांडे के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों ने बुधवार को नगर के विश्वेश्वरगंज, लाल दरवाजा, महुआ बाग, सकलेनाबाद में चेकिंग की। इस दौरान कुल 80 दुकानों का कनेक्शन चेक किया। बकाए पर 41 लोगों का कनेक्शन काटा गया। इसके साथ ही केबल मीटर से बाईपास कर लाइन चलाते पाए जाने पर 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। उपखंड अधिकारी शिवम राय ने उपभोक्ताओं को कहा कि अगले 4 दिनों तक दुकानों के बकायेदारों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग के दौरान यदि कागजात नहीं मिले तो केबल काटते हुए विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। चेकिंग टीम में अवर अभियंता अविनाश सिंह, रोहित कुमार, GMT अजय विश्वकर्मा, JP बाबू, अजीत पांडे, सुपरवाइजर शिवशंकर कश्यप, पप्पू चौबे, रीडर आजाद खान, बब्बन सिंह, अखिलेश सिंह आदि शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।